जय हिंद दोस्तों। 18 और 19 फरवरी को उत्तर प्रदेश में 60,244 पदों पर सिपाही भर्ती परीक्षा हुई थी। UPSTF के मुताबिक अहमदाबाद में लॉजिस्टिक कंपनी के वेयर हाउस से पेपर लीक हुआ था और इस पेपर लीक की वजह से 6 महीने बाद फिर से री एग्जाम होने जा रहा है, जो 23 अगस्त से 31 अगस्त तक होगा। लेकिन दोस्तों, इस री एग्जाम में भी पेपर लीक होने की संभावना बताई जा रही है। सबसे पहले आप इस चैट को पढ़िए। दोस्तों, सोशल मीडिया पर ये चैट काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। किसी ने पेपर लीक करने की बात बोली और उसके बदले पैसे की मांग की है।